लोकसभा चुनाव में आमने सामने होंगे पति पत्नी। बीजेपी उम्मीदवार के सामने टीएमसी ने उतार दी पत्नी। पश्चिम बंगाल में पति पत्नी में सीधी टक्कर। बंगाल की बिष्णुपुर सीट पर रोचक हुआ मुकाबला। कभी एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले पति पत्नी अब लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के सियासी दुश्मन बन गए हैं। मामला पश्चिम बंगाल की बिष्णुपुर लोकसभा सीट का है, जहां पति पत्नी के बीच चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल टीएमसी ने सुजाता मंडल को बिष्णुपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां से उनके पूर्व पति सौमित्र खान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि सुजाता और सौमित्र का तलाक हो चुका है, लेकिन सियासी गलियारों में इस लड़ाई की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सौमित्र खान वर्तमान में विष्णुपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। सुजाता मंडल उनकी पूर्व पत्नी रह चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सौमित्र खान को भाजपा ने विष्णुपुर से चुनावी मैदान में उतारा था, तब सुजाता मंडल ने घर घर जाकर प्रचार किया था, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही ये जोड़ा अलग हो गया। दरअसल सुजाता मंडल ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और सौमित्र खान ने उनके ऐसा करते ही कैमरे पर सुजाता को तलाक देने की घोषणा कर दी। सौमित्र खान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके पहले वो तृणमूल कांग्रेस में ही थे। अब इस सीट पर लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पूर्व पति पत्नी अब आमने सामने हैं। टीएमसी से टिकट मिलने के बाद सुजाता ने पूर्व पति पर हमला बोला है। टीएमसी उम्मीदवार ने कहा है कि मेरे नेतृत्व को पता है कि मैं विष्णुपुर में 24 घंटे 365 दिन इलाके में रहूंगी। इससे पहले जिला परिषद के चुनाव में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे विश्वास है कि विष्णुपुर लोकसभा की जनता भी मुझ पर भरोसा करेगी और मुझे आशीर्वाद देगी। सौमित्र खान पर निशाना साधते हुए सुजाता ने कहा कि अब प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सौमित्र पिछले 5 साल से सांसद थे। विष्णुपुर के लोग जिन्होंने मेरी बातों पर भरोसा किया, उन्हें इलाके में नहीं देखा गया। वो मेरी गलती थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार विष्णुपुर जिले के लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। वहीं सुजाता पर पलटवार करते हुए विष्णुपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सौमित्र खान ने कहा कि तृणमूल मेरे खिलाफ किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं उतार सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हारेंगे। विष्णुपुर में फिर से कमल का फूल खिलेगा। गौरतलब है कि विष्णुपुर के दिग्गज नेता सौमित्र खान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल से भाजपा में शामिल हो गए थे। उस समय उनकी पत्नी ने उनका जमकर प्रचार किया था। तृणमूल ने 10 मार्च को बंगाल में 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है।